नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में मैं मुकेश सोनी। आज हम बात करेंगे मौसम पर। अप्रैल का महीना चल रहा है और आसमानों में बादल छाए हुए हैं। आए दिन बारिश हो रही है कहीं पर, तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। हम जानेंगे डॉक्टर गौरव महाजन जी से कि मौसम कैसा रहेगा और किसानों के लिए इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो मौसम चल रहा है, ये क्या वजह है? देखिए, जो ये मौसम की जो स्थिति है, डावाडोल जो हो रही है, दक्षिणी विक्षोभ की वजह से अधिकतर ये हो रही है। ये इस प्रकार का जो मौसम है, ये प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक रूपता से ना होकर के कुछ कुछ पॉकेट्स में सीमित है। ये थोड़े स्थानीय हवाओं के दबाव के कारण से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ये मानकर चलिए कि आने वाला जो सप्ताह है, अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है, में इस तरह की स्थितियाँ इसमें बनी रहेंगी। कहीं कहीं पे बारिश भी हो सकती है, और अगर ज़्यादा तापक्रम नीचे चला गया तो बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहती है। तो ये इस कारण से थोड़ा सा ये मौसम का अप एंड डाउन चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें किसानों के लिए क्या एहतियात? जी, जो किसान भाइयों ने अपनी फसल काट ली है और घानी के लिए रखी है, उनके लिए सबसे अधिक सावधानी देने का ये समय है। जहाँ तक हो सके अपनी जो फसल है उसको ढाक करके रखे, तिपाल से रखे, और अगर मान लीजिए घानी में अभी समय है तो कुछ उसको थोड़े ऊँचे प्लेटफॉर्म पर रख लें, और अगर किसी कारण से गीली भी हो जाती है तो उसको धूप आ जाए तो उस पर अलट पलट के सुखा लें। और जिन किसान भाइयों ने अपना दाना निकाल लिया है, वो भंडारण करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि दाने में नमी सही हो, कि गीला भंडारण दाना भंडारण करने से समस्या आ सकती है। जो किसान भाई आगामी आने वाले समय के लिए अगर मूंग या उड़दा बोना चाह रहे हैं या किसी प्रकार की स्वीट कॉर्न की खेती करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आने वाला सप्ताह जो है वो उत्तम है। बाकी अगले मई के महीने में किसान भाई जो है वो गहरी जुताई करके खेतों को खोल सकते हैं, और गहरी जुताई से कि इनकी इल्लियों का नाश हो जाएगा और खरपतवार की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। ये जो मौसम चल रहा है, इनमें किन फसलों पर अधिक प्रभावित? देखिए, इस वक्त अधिकतर तो हमारी जो रबी की कटाई है वो पूरी हो चुकी है। अधिकतर हमारी जो खेती है वो खलिहानों तक सीमित है, परंतु कुछ भाइयों ने जैसे ये जायद का मक्का लगा रखा है या जायद में उड़दा मूंग की फसल ले रखी है, उनके लिए सावधानी देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह की ये बदली छाए रहेगी, इसमें कहीं कहीं पर इल्ली का प्रकोप हमको मूंग या उड़दा में देखने को मिल रहा है। अधिकतर नहीं, परंतु कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा किसान को सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की इल्ली दिखाई देती है तो उसमें थोड़ा सा इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर दे 0.5 की मिकदार से, तो उसमें उसका रोकथाम हो जाएगा। कब तक ये ऐसा मौसम रहने की उम्मीद है? ये उम्मीद है कि ये मई के पहले सप्ताह से पहले तक ये मौसम रहेगा। उसके बाद जो आगे का जो अभी हमारे मौसम का पूर्वानुमान मिला है, उनका जो डाटा, उनके आंकड़ों के आधार पर मैं ये यही कहूँगा कि मई का महीना जो है आने वाला शुष्क रहने की संभावना है। किसी प्रकार की वर्षावृत्ति की कोई संभावना अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना मौसम का हाल आगे कैसा रहेगा। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी से छिंदवाड़ा।